इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है, मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा, आपको 5% 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा, श्रीनगर आए एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गया मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं, जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा, आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए, वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं, विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं है, वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों,
जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि दो दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रखिएगा। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां साफ सफाई के अभियान, यहां का हस्तशिल्प, यहां की कारीगरी, इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूं। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। 17 जिलों में यहां मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर